अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो सुबह से मैंने कुछ भी अपना ब्लॉग शुरू नहीं किया था। मैंने सोचा था कि चलो मैं इफ्तार जब बनाऊंगी उसी टाइम पे अपना जो है ब्लॉग शुरू करूंगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैगी। इसमें मैगी बन रही है, अभी सिंपल वाली बन रही है। और आज हम बना रहे हैं चिकन पकौड़ा। तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं तो टेस्ट वेस्ट कैसा क्या है अभी कुछ पता नहीं है। इसके साथ बनाएंगे हम चटनी, टमाटर मिर्च प्याज साथ में आ जाता है टमाटर मिर्च और धनिया वाली चटनी है, धनिया तो इसके साथ में वाली चटनी बनाएंगे। तो अभी कुरैन भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। पुरु की बन रही है मैगी। पुरु मैगी खाएगी। गर्मी आ गई है, दूध जल्दी फटने का डर रहता है, इसलिए साथ ही साथ में गर्म भी करो। क्या हो रहा है, क्या लगता है कैसे बनेंगे? देखते हैं चटनी और बनाते हैं इसके साथ। सो गाइस, यहाँ पर ये लास्ट बैच है पकौड़ों का, तो ये लास्ट अभी सिक रहे हैं और ये अभी बन चुके हैं। और अब इसके साथ मैं बना रही हूँ चटनी। टमाटर डाला है, हरी मिर्च डाली है, धनिया डाला है, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ डाली हैं और इसमें डालेंगे ज़ीरा और थोड़ा सा नमक। उनचास पे है। सो गाइस, रोज़ा इफ्तार कर लिया है और नमाज भी पढ़ ली है और बस अब मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि भाई ईद आ रही है, ईद की शॉपिंग हमें करनी है। अभी तक हमारी ईद की शॉपिंग नहीं हुई है, तो बस ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं मार्केट। साथ में भाभी भी जा रही हैं, भैया भी जा रहे हैं, तो क्योंकि भाभी को भी शॉपिंग करनी है इसीलिए। तो चलते हैं मार्केट। कौन था खाला थी, आ जाओ ना। कलर ये वाला कलर तू बोली हो देते हैवी पीस था ना, एकदम उभर के आया। बस ये दुपट्टा और ये है ना, ये डैन कलर अच्छा लग रहा है मैंने के लिए नहीं महंगा नहीं महंगा नहीं कर अच्छा लग रहा है।
नायरा पहने एक बार अलग से बना के दे। देखो भाई ये कैसी बैठी हुई है, खा लो कुछ, खा लो मीनू मीनू पी लो बोलून। एक घंटा हो गया इनको जी मचला रहा है, बहुत देर से उल्टी ऐसा मन हो रहा है और उल्टी होने रही है। उल्टी ऐसा मन तो हो रहा है लेकिन उल्टी हो ही नहीं रही, बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा तो थोड़ा जी सही हो जाएगा मेरा। रात के कितने बज रहे हैं ठीक टाइम बताओ, दो बज चले रात के पौने दो, पौने दो। मार्केट से आए हैं अभी, गए थे तब अभी तक नहीं तो आए, मतलब कितना तो समय हो गया, 10:30 बज गए थे तब से इनको ऐसी करनी है। नींद भी आ रही है मुझे, मार्केट से आए थे हम लोग 10:30 बजे, फिर खाना खाया है, खाना खाने के बाद से ही मतलब अजीब सा लगने लगा था बस, अभी नींद बहुत जोर की आ रही है लेकिन उल्टी ऐसा बहुत ज़्यादा मन भी हो रहा है बिल्कुल कुछ। अभी थोड़ी देर पहले मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे ऐसा कुछ खट्टा मीठा खाना है, तो बोल रहे थे नमकीन रखा है नमकीन खा लूँ खट्टा मीठा वाला इंदौरी नमकीन, लेकिन अभी वो भी मन नहीं कर रहा है, अभी तो ऐसे ही लग रहा है बहुत ज़्यादा, सर भी दर्द हो रहा है और साथ साथ में हाथ पैर भी दुख रहे हैं और वॉमिटिंग जैसा भी लग रहा है। अब इनको देखो ये अपनी मस्ती में मस्त है, तो प्रेगनेंसी में ऐसा क्यों होता है, ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है, मतलब हुरैन के टाइम में नहीं होता था ऐसा कुछ भी। हाँ मुझे जो है क्या कर रही हो, तो हुरैन की तो ऐसे ही मस्ती चलती रही, गेम भी चल रही है, राइम्स राइम्स भी देख रही हूँ, ऐसे छी गंदी तो मुझे ना हुरैन के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, मतलब उल्टी जैसा मन तो बिल्कुल ही नहीं करता था। हाँ जब मैं वो एक पाउडर आता था जिसे बोलते हैं कि बच्चे का वेट गेन होता है तो वो पाउडर पीना पड़ता है, तो जब मैं वो वाला पाउडर पीती थी तभी मुझे ऐसा उल्टी जैसा फील होता था, वरना मुझे हुरैन के टाइम में थोड़ी बहुत उल्टियाँ आई हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आई हैं। मतलब कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि पूरे लास्ट 9 महीने तक उनको उल्टियाँ होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र रहा कि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चला और बहुत अच्छे से निकल गई। लेकिन अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ, कभी कुछ मन होता है तो कभी कुछ मन होता है, कभी कभी तो अकेले बैठने का मन होता है, कभी कभी अकेले रोने का मन होता है, किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है, किसी भी बात पे ऐसा किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन होता है, पता है नहीं क्या हो रहा है। लेकिन पहली प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ था, आप लोग बोल रहे थे मुझसे कि अभी आप अपनी पहली प्रेगनेंसी में जो भी सिम्टम्स आपको आए थे वो आप हमें बताए, रुको हो रहा गिर जाओ तो पहली प्रेगनेंसी के बारे में आप लोग पूछना चाह रहे थे, क्या हो रहा है बेटा, हाँ तो चल रहा है ना आपका। तो पहले प्रेगनेंसी के मेरे ऐसे कोई भी खास सिम्टम्स नहीं थे जो कि मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई थी, मुझे सिर्फ हाँ मुझे गैस की प्रॉब्लम थोड़ी सी थी तो वो भी ठीक हो गई थी, लेकिन इस बार तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस, मुझे उल्टियाँ भी हो रही हैं, मुझे क्या ही बताऊँ क्या क्या परेशानी बताऊँ मैं आप लोगों को अपनी। और हाँ कमेंट करके बोल भी रहे थे कि भाई कौन सा महीना चल रहा है मेरा, तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग
जाकर देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा कौन सा महीना चल रहा है। टूटा टूटा इनको नींद नहीं आती है, इनको पूरी रात जागना है। ये मेरे साथ सहरी जब करती हूँ ना मैं, तब जाके सोती है सहरी के बाद। और हाँ एक कमेंट, सॉरी, अच्छा और हाँ एक कमेंट ये भी आया था कि आप प्रेग्नेंट हो और आप इतना भारी भारी सामान उठा रहे हो, तो मैंने बच गई। गंदी गिर जाऊंगी ना। अच्छा हेलो बोल लो, हेलो हेलो सलाम कर लो, आपको सबको सलाम करो पहले। सुनती नहीं है आप, ये इसका खुद का मन होता है तब जाके सुनती है, वरना बिल्कुल नहीं सुनती है। अब जा रही है उल्टी बक्के बक्के। बस हो गई। चलो चलो उल्टी हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई, उल्टी हो गई। रैन मम्मा की तबीयत खराब हो गई। रैन बेटा चलो भाई इस ब्लॉग का एंड में ही कर देता हूँ। अब बुलबुल तो एंड करने लायक बची नहीं है। नहीं नहीं मैं एंड कर दूँगी। कर दोगी? अभी जान अभी है। मैं जिंदा हूँ। अभी मैं जिंदा अभी अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं ब्लॉग का एंड कर सकती हूँ। ये तो लगा ही रहता है, जिंदगी है भाई, कुछ ना कुछ। तो चलिए गाइस बहुत सारी दुआएं दे देना, दुआओं की ज़रूरत है। और बस आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। तो क्या है बोलूँ, ब्लॉग का एंड यही कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।